नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत सारे माता पिता का कंसर्न रहता है। तो होता क्या है कि बच्चे का माथा अगर गोल नहीं है या एक तरफ फ्लैट हो गया है तो पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं और वो OPD में आकर इस तरह की समस्या के बारे में पूछते हैं कि सर अब इसमें क्या करना है। तो आइए आज इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। तो बच्चे का जो फ्लैट हेड होता है या माथा गोल नहीं रहता है शुरुआत के दिनों में, उसका जो मूल कारण होता है वो है कि बच्चे का जो स्कल है वो कुछ फ्लैट बोन्स से बने होते हैं और वो फ्लैट बोन एक दूसरे से शुरू के समय में अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और प्रकृति ने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट शुरू के 2 सालों तक लगभग 80-90% होता है उसके लिए पर्याप्त स्पेस स्कल में रहे और ब्रेन अच्छी तरह ग्रोथ करे और अपना स्पेस ऑक्यूपाई करें। तो जो स्कल बोन सॉफ्ट होती है उसे अगर किसी खास तरफ कंटिन्यूअस प्रेशर, मतलब एक ही पोजीशन में लगातार रखा जाए तो उधर का जो है स्कल चपटा हो जाता है और फ्लैट हेड की समस्या होती है। फ्लैट हेड की समस्या को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में हम देख सकते हैं, एक है प्लेजियोसिफैली और दूसरा है ब्रैकिसिफैली। अगर बच्चे का माथा किसी एक तरफ फ्लैट है तो उसको प्लेजियोसिफैली बोलते हैं और बच्चे का माथा अगर पीछे यानी ऑक्सीपिटल बोन के तरफ फ्लैट है तो उसको ब्रैकिसिफैली बोलते हैं। और ये समस्या जो है बच्चों में तब होती है जब बच्चा एक खास पोजीशन में कंटिन्यूअस पड़ा रहता है और उधर जो है उस तरफ के स्कल बोन में कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है। तो अब जानते हैं कि ये ऐसा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक कारण है कि बच्चा अगर प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, यानी उसका जन्म 32 वीक्स या उससे भी पहले या उसका वज़न 1500 ग्राम होने से पहले हो गया है तो उसका जो स्कल बोन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और इजीली मोल्ड हो जाता है, मतलब एक जिस पोजीशन में आप रखेंगे ज़्यादा देर तक उस तरफ का वो शेप एक्वायर कर लेता है। दूसरा कारण है कि अगर आप बच्चे को एक ही पोजीशन में लगातार सुलाते हैं तो कंटिन्यूअस प्रेशर उस तरफ के स्कल बोन पर पड़ती है और फ्लैट हेड की समस्या हो जाती है। और चूंकि साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि शुरू में बच्चों को सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा सुलाना है ताकि उन्हें जो है SIDS की समस्या से बचा जा सके, तो इस तरह की परिस्थिति के कारण जो है बच्चों को ब्रैकिसिफैली की समस्या होती है। तीसरा कारण होता है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं और मल्टीपल यानी ट्विन प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा बच्चे अगर माँ के गर्भ में हैं तो उन्हें पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थिति में स्कल बोन पर जिस तरफ प्रेशर पड़ता है उधर का बोन फ्लैट हो जाता है। और कभी कभी माँ के गर्भ में जो है एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है, उसके वजह से स्कल बोन को जो है पर्याप्त कुशन नहीं मिलता है और इसमें जब प्रेशर पड़ता है तो फ्लैट बोन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे को माँ बोतल फीडिंग ज़्यादा कराती है तो उसमें भी बच्चा एक खास पोजीशन में ज़्यादा देर तक पड़े रहता है और उस पोजीशन में वो फीडिंग को कंफर्टेबल पाता है तो इसमें भी फ्लैट हेड की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे का नेक में टाइटनेस है या कॉन्जेनाइटल टोर्टिकोलिस की समस्या है तो उस परिस्थिति में बच्चा एक खास हेड पोस्चर्स को एक्वायर किए रहता है और उससे भी फ्लैट हेड की समस्या होती है। इसके अलावा एक क्रेनियोसिनोस्टोसिस नाम की समस्या होती है जिसमें बच्चे के स्कल बोन का अर्ली फ्यूजन हो जाता है और इस कारण जो है उसमें फ्लैट बोन की समस्या होती है। अब जानते हैं कि कब जो है आपको अपने फिजिशियन या बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगता है कि बच्चे का स्कल का शेप प्रॉपर नहीं है और यह आपके लिए कंसर्न है तो आप अपने फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके उसका असेसमेंट करा लें, क्योंकि अगर शुरू के 4 से 6 महीनों में स्कल बोन में कोई खास परेशानी है और उसका आप असेसमेंट करा लेते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो स्कल जो है अपना प्रॉपर शेप एक्वायर करने में
आपको मदद मिलती है और इसके लिए काफ़ी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। तो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है, कुछ एकाध पॉइंट जो है ट्रीटमेंट में ज़्यादा जुड़ती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है कि बच्चे का जो है स्लीपिंग पोस्चर जो है आप चेंज करते रहें, एक नियमित अंतराल पर बच्चे के माथा को थोड़ा पोजिशन बदल दें, जिसके वजह से किसी खास तरह के माथे पर जो है उसका प्रेशर नहीं पड़े और फ्लैट स्कल बोन होने की समस्या नहीं हो। इसके लिए आप बच्चे को थोड़ा टिल्ट कर दें और पीछे के बैक सपोर्ट के लिए कोई भी कुशन या टॉवेल का फोल्डेबल टॉवेल को यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसको बैक में सपोर्ट भी रहे और बच्चा हर समय पीठ के बल लेटा नहीं रहे। इसके अलावा बच्चे को आप एक टमी टाइम जो है अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने देख रेख में दीजिए और दिन भर में कम से कम 3 या 4 टमी टाइम का जो है आप 15 मिनट का सेशन कंडक्ट करिए। इसमें आप बच्चे को जो है पेट के बल लेटा देते हैं और इससे जो है एक तो बच्चे का गैस भी निकलने में आसानी होती है और चूँकि हेड लगातार एक ही पोस्चर में नहीं रहता है तो फ्लैट हेड की समस्या से बचा जाता है। इसके अलावा जो है जब माँ अल्टरनेट ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें भी बच्चे का जो है हेड का पोस्चर चेंज होते रहता है और फ्लैट हेड की समस्या से बचा जा सकता है। और एक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उसमें यह देखा गया है कि अगर बच्चे को मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दानों से बना हुआ जो तकिया है उसका प्रयोग करते हैं तो उनके जो है स्कल बोन को गोल रखने में काफ़ी लाभ मिला है। और ये अब रिसर्च में भी आ गया है, उन लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट किया है और उसमें इसका लाभ मिला है। और इस मेथड को कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी ये काफ़ी सस्ता मेथड है, क्योंकि इस तरह का तकिया आप घर पर भी बना सकते हैं और ये दादी अम्मा लोगों का पुराना रिसर्च है जिसको अब साइंटिफिक अप्रूवल भी मिल गया। अगर बच्चे को आप बेड में रखते हैं, बेड में सुलाते हैं, तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसका नेक कंट्रोल आ गया है, वो थोड़ा रोलिंग भी कर रहा है, क्रॉलिंग भी करता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो आप टॉयज रखते हैं उसका पोजीशन अगर आप चेंज करेंगे तो बच्चा टॉय को फॉलो करते हुए अपने हेड के पोजीशन को चेंज करता है और जिससे कि ये जो है फ्लैट हेड की समस्या से बचा जा सकता है। अगर बच्चे को नेक स्टिफनेस के कारण एक खास तरफ सिर रखने में अच्छा लग रहा है तो आप उसके रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरापी का हेल्प ले सकते हैं और इससे आप उसको बचा सकते हैं। आजकल मार्केट में रेडीमेड पिलो जो क्लेम करते हैं कि ये करेक्टिव है फॉर फ्लैट हेड, उसके बारे में USFDA का रिकमेंडेशन है कि इसका बहुत ज़्यादा जो है क्लियर कट बेनिफिट अभी तक नहीं पाया गया है। इसलिए जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको या पेरेंट्स हैं उनको इस तरह के पिलो का यूज करने से पहले अपने चिकित्सक से इसके प्रोस एंड कॉन्स को अच्छी तरह डिस्कस करना चाहिए। USFDA के अनुसार फ्लैट हेड करेक्टिव पिलो का बहुत अच्छा रोल नहीं है और इससे कभी कभी बच्चे को लाभ के जगह नुकसान होने जैसे SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने की संभावना रहती है और बच्चे का स्लीप इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसको अभी तक डिस्करेज किया जा रहा है। हेलमेट थेरापी या ब्रेडेड बैंड का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके बच्चे का स्कल का बोन किस तरह फ्लैट है उसके अनुसार से ये हेलमेट बनवाना पड़ता है और ये काफ़ी महंगी है और अपने देश में इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है। इसलिए हेलमेट थेरापी आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके और उसके बारे में सोच सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। लास्ट रिसोर्ट है कि अगर बच्चे को क्रेनियोसिनोस्टोसिस हो गई है यानी उसका स्कल बोन समय से पहले फ्यूज हो गया है तो ये एक ऐसा परेशानी है जिसमें सर्जिकल करेक्शन, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और ये आपके न्यूरोसर्जन के हेल्प से आप करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो बच्चे के सिर को गोल रखने में आप मदद पा सकते हैं। और इसमें जो है अगर जो करेक्टिव एक्शन है वो 6 महीने से लेकर
23 महीने के बीच में किया जाए तो ये ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसलिए 6 महीने तक अगर इस तरह का कोई कंसर्न है तो एक बार आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर लें। और चूंकि शुरू के 2 साल बच्चे के ब्रेन ग्रोथ का काफ़ी जो है ऑप्टिमम टाइम है, तो इस समय आपको ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी बच्चे को के सिर को गोल रखने या फ्लैट हेड से बचने के बारे में कुछ कारगर उपाय। इस तरह के कोई पेरेंट्स अगर आपके संपर्क में हैं जिनके बच्चे को फ्लैट हेड की समस्या है, तो आप इस वीडियो को शेयर करके उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।